Oh, wow.
कंजेस्टेड टाइम में सब निकले, कोरोना का वक्त था, घर में से निकलते नहीं थे, एक दूसरे को मिलते नहीं थे, और सर ने आज एजुकेशन के साथ साथ में भी पेरेंट्स को साथ में बुलाया और सुबह से ये प्रोग्राम शुरू था। एक तो सॉरी मैं आपसे, मैं बहुत लेट आया, श्रीरंग जो हमारा लड़का है श्रीरंग तो अभी आके गया, मैं लेट हुआ, लेकिन आप सब लोग को वो आने वाली होली की भी शुभकामनाएं। मैं आपको नतमस्तक वंदन करता हूँ कि आपने ऐसे टाइम पे भी अपने बच्चों के लिए, आप चाहे तो कहाँ पे भी होटल में भी जाके डांस कर सकते हो, घूम सकते हो,
लेकिन स्कूल के साथ में उसके एक एजुकेशन के साथ में उसके साथ में ऐसा टाइम देने के लिए, क्योंकि आजकल कई ऐसे पेरेंट्स होते जिनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन आप लोगों को मैं सहे दिल से नमन करता हूँ कि आप लोगों ने इतना टाइम अपने बच्चों के लिए देते हैं और इसके लिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बच्चा कहाँ पे भी होगा, कोई भी मिनिस्टर आ जाएगा, कोई भी हीरो आ जाएगा, लेकिन जब उसके माँ बाप उसके पास में होंगे तो उसके ऐसा लगेगा उसका खुद भगवान वहाँ पे खड़ा है, और उसका जो मोटिवेशन मिलता है वो कोई अलग ही होता है। क्योंकि जब खेलने का, कैसे चलने का, क्या खाने का जब उनको मालूम नहीं होता, उसको इतना बड़ा तैयार करने का उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। तो जो मेहनत इन टीचर्सों ने की है, पूरी टीम को और कौशल साहब को और उनके परिवार को भी, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा है कि जो पढ़ाई के साथ साथ में आशीर्वाद भी मिलते हैं, तो आज ये आप सभी के आशीर्वाद सब टीचर्स को मिलेंगे और खास करके कौशल भाई को, इन जिन्होंने हमें इन्वाइट किया। I really want to thank Kaushal sir, Pinky ma'am, all the staff of Rama Kishki School and for organizing such a wonderful event. और चार साल से मेरी बेटी यहाँ पे पढ़ रही है। मैं लास्ट में आज खेल रही हूँ, कन्वर्सेशन का खत्म हो रहा है, तो मैं बोल रही हूँ कि एज अ पेरेंट मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन है। लास्ट बीच में जो टू ईयर इनका ऑनलाइन स्टडी भी चला है, बहुत अच्छे से इन्होंने सर ने वीडियो वगैरह बनाया, उसमें बहुत मेहनत थी क्योंकि वो ये चीज़ ही नहीं थी, और सर ने जो भी हो सका उनसे पूरा उन्होंने कोशिश किया, बच्चों का कुछ भी मिस नहीं हुआ और बहुत मेहनत थी उसके लिए। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू एवरीवन। 15 फरवरी को स्कूल रीओपन का अनाउंसमेंट हो गया एंड द फर्स्ट थिंग आई प्लान वाज स्पोर्ट्स डे। उसी दिन हमें तय कर लिया कि स्पोर्ट्स डे करेंगे, सबको बुलाएंगे। पहले तो ऐसा भी सोचा था कि अगर परमिशन नहीं मिली तो हम स्कूल में बुलाएंगे और एटलीस्ट कन्वोकेशन करेंगे, बट थैंक्स टू द गवर्नमेंट जिसने हमें परमिशन दी कि हम स्पोर्ट्स डे कर सके, स्कूल ऑफलाइन ओपन कर सके। और मैं फील कर रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे जो कोरोना पीरियड में 2 साल से घर से नहीं निकले हैं, पेरेंट्स ने बहुत सारा डू जो किया उसको अंडू करने में टाइम लग रहा है, लेकिन स्टिल किड्स आर एंजॉइंग द स्कूल, बहुत मजा आ रहा है बच्चों को। एंड आई थैंक यू एवरीवन कि 1:30 बजे तक धूप है निकल गोवा में हम लोग, सो 1:30 बजे तक सब लोग यहाँ पे हैं। थैंक्स अगेन, थैंक यू एवरीवन। नाउ आई रिक्वेस्ट एवरीवन।